के एक जन सैलाब उमड़ के आ रहा है राहुल जी को मिलने के लिए, राहुल जी को देखने के लिए, और एक अलग से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मुकाबला कर सकता है, पक्ष दे सकता है, जो जगह ले सकता है प्रधानमंत्री की, वो राहुल गांधी के। हमारे जो सहयोगी दल हैं, गठबंधन से संबंधित है जी, उन्हें निमंत्रण भी दिया गया है कि इसमें सम्मिलित हों। वो उनके ना केवल बड़े नेता बल्कि छोटे कार्यकर्ता जो जमीन में जिलों में हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो भी वहाँ पर आए और राहुल जी की यात्रा में सम्मिलित हों। कांग्रेस की न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है और ऐसे में किस तरीके की वो खास रहेगी, हमारे साथ पीएल पुनिया जी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और पूरी जिम्मेदारी न्याय यात्रा की कहीं ना कहीं पीएल पुनिया जी के कंधों पर भी है। सर, किस तरीके से ये जो अब न्याय यात्रा जब राहुल गांधी की पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में, क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे रहेगी ये? देखिए, राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को एंट्री करेगी सोनभद्र जिले में और आगरा आखिरी पॉइंट है। जनसभा एक पहले तो सोनभद्र में जब एंट्री करेंगे वहाँ होगी और एक लास्ट में, और बीच में भी प्रोग्राम होते रहेंगे। विशेष जो समूह महिलाएं हैं, बेरोजगार युवक हैं, बुनकर हैं, वो 250 के भी गुजरेंगे, तो ये सब पूर्व कार्यक्रम होंगे। आज विस्तार से चर्चा हुई है आदरणीय अजय राय जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आराधना मिश्रा जी तो CLP लीडर हैं जी, तो हम सबको जिम्मेवारी दी गई है। सर, यूपी में क्या खास रहेगा, चूंकि अलग स्टेटों से होती हुई अब यूपी पहुंच रही, यूपी कांग्रेस के लिए बड़ा गढ़ भी माना जाता है और यहां पर भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा जब पहुंचेगी तो क्या राहुल गांधी का स्टे भी यहाँ पर रहेगा, लखनऊ है या प्रयागराज है, और किस तरीके से आप लोग जो पब्लिक से कम्युनिकेट करेंगे, यानी पब्लिक को कैसे कनेक्ट होगी उनसे? पब्लिक देखिए, आपने जब मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई है और महाराष्ट्र तक जाएगी, मुंबई, वो मणिपुर है, बाकी मिजोरम है, नागालैंड है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उस सब में देखा होगा कि एक जन सैलाब उमड़ के आ रहा है राहुल जी को मिलने के लिए, राहुल जी को देखने के लिए, और एक अलग से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और ये केवल उन प्रदेशों की बात नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक विकल्प के रूप में वो देख रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई मुकाबला कर सकता है, पक्ष दे सकता है, जो जगह ले सकता है प्रधानमंत्री की, वो राहुल गांधी है, तो उसको देखते हुए लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं। सर, क्या और जो दल हैं आपके, चाहे वो अलायंस है और दलों, क्या उनको इनविटेशन इस यात्रा के लिए मिला है, किस तरीके से आप और दलों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? ये अभी समय है, इस बारे में सब पूरी चर्चा करके करेंगे और ये स्पष्ट है कि पूरी यात्रा हमारे जो सहयोगी दल हैं, गठबंधन से संबंधित हैं जी, उन्हें निमंत्रण भी दिया गया है कि इसमें सम्मिलित हों। वो उनके ना केवल बड़े नेता बल्कि छोटे कार्यकर्ता जो जमीन में जिलों में हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो भी वहाँ पर आएं और राहुल जी की यात्रा में सम्मिलित हों। धन्यवाद सर बात करने के लिए।